मेरठ वो क्रांतिकारी धरा है जहां एक से बड़े एक प्रतिभा देखने को मिलती है। प्रवीण कुमार हो या भुवनेश्वर कुमार इंडियन क्रिकेट टीम के अभिन्न अंग बन चुके हैं, तो वहीं महिलाएं भी प्रतिभा दिखाने में पीछे नहीं हैं। ऐसे ही एक लड़की है जिसका नाम काव्या शरण, जिन्होंने अपने प्रतिभा को लोहा मनवा दिया है और देश के साथ अपने होम टाउन मेरठ का भी नाम रोशन किया है। जजमेंट्स ग्रुप की ओर से पुणे में मिस एंड मिसिज इंडिया यूनिवर्स 2019 की प्रतियोगिता में अपना नाम रोशन किया और मेरठ के क्रांतिकार रुतबे को भी बरकरार रखा है। क्या नाम है आपका? काव्या शरण। काव्या जी, आपने किस प्रतियोगिता में भाग लिया था और कहां तक पहुंचे हैं? मैंने सास जैज ग्रुप की तरफ से पुणे में होने वाली मिस एंड मिसिज इंडिया यूनिवर्स 2019 में पार्ट लिया और ये आयोजन पुणे में हुआ, महाराष्ट्र पुणे में। वहाँ पे मैं विद द लॉट ऑफ विशेज बेस्ट पर्सनालिटी अवार्ड से सम्मानित की गई हूँ। कैसा महसूस कर रही हैं आप? मेरठ की रहने वाली हैं, तो क्या फील कर रही हैं? यहाँ तक पहुँचना, पहले वहाँ होने वाले ऑडिशंस को क्रॉस करके जाना मुझे लगा था कि मैं कर पाऊंगी, और उसके बाद मैं 3000 लड़कियों में से 10 लड़कियों तक पहुंचना, ग्रैंड फिनाले तक पहुंचना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। एंड आफ्टर ऑल आई एम ऑन द 7th हेवन, मुझे लग रहा है कि मैं 7वें आसमान पे हूँ। इतनी बड़ी जगह से बेस्ट पर्सनालिटी अवार्ड लेकर आना ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मेरठ से निकले हैं, तो मेरठ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं मेरठ को एक यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे अंदर का आत्मविश्वास हमें आगे पहुंचाने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है। एक छोटी सी मेरी खुद की लिखी हुई लाइन है, जब हम जागते हुए कोई सपना देखते हैं उस सपने को सच करने के लिए हम कोई अपना ढूंढते हैं। जब हम जागते हुए कोई सपना देखते हैं उस सपने को सच करने के लिए हम कोई अपना ढूंढते हैं, और फिर हमें एहसास होता है कि वो अपना हमारा आत्मविश्वास होता है। तो मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि वो अपने अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपनी टैलेंट को पहचानें, क्रिएटिविटी को बढ़ाएं। फर्क नहीं पड़ता कि हम किसी छोटे जिले से हैं, किसी बड़े जिले से हैं, बस हम क्या हैं हमें खुद को पहचानना होगा। आगे आप कहाँ तक जाना चाहेंगे? आगे मेरा ईश्वर अगर मेरे साथ रहे और सभी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहे तो मैं अपना पूरा करियर एक्टिंग में आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं मेरठ को और ज़्यादा तरक्की, और ज़्यादा गोल्ड मेडल्स ये सब दे सकूँ, सम्मानित करा सकूँ। ये मेरा एक अच्छा सपना है जिसे मैं सच्चाई में बदलने का पूरा भरपूर प्रयास कर रही हूँ। मेरा सुमित्रा मोरल। सुमित्रा जी, आपकी बेटी ने मेरठ का नाम रोशन किया है। हाँ जी। कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे अपने आप पे गर्व फील हो रहा है कि ये मेरी बेटी है और ईश्वर ने मुझे ऐसा बच्चा दिया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी क्या हो करती रही है। मैं एक बुटीक चलाती हूँ और इतनी मेरा ऊंचे लेवल पे बुटीक चला के कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि मैं शुरू से ही, मेरे को रहा है कि मैं थोड़ा सा वर्किंग रहूं, तो पहले मैं एक मेरी कॉस्मेटिक की शॉप थी, उसके लिए मैंने फिर अपना इसका सिलाई का कोर्स किया, और फिर मैंने सोचा, थोड़े बीच में मैंने बंद कर दिया था, उसके बाद फिर मैंने सोचा बच्चों की शादी वादी हो गई है तो, क्योंकि मेरे को बैठने की आदत नहीं है, थोड़ा मेरे को वर्किंग रहने की शुरू से ही आदत रही है, तो फिर मैंने, फिर मेरी छोटी बेटी ने मुझसे कहा कि मम्मा आप ठीक नहीं रह पाओगी ऐसे रह के, तो इसलिए आप कुछ करो, तो फिर मेरे मन में आया कि मैं बुटीक खोल लेती हूँ, तो मैंने अपना बुटीक खोला और मेरी बेटी मेरा हेल्प करती है साथ में, पूरा मतलब मेरे को हेल्प करती है, वो जितना भी हो सकता है, वो पढ़ाई में, जॉब में, वो हर तरह व्यस्त रहती हैं, लेकिन फिर भी वो मेरी हेल्प करती हैं। आज आपकी बेटी बुलंदियों को छू रही है, मेरठ का नाम रोशन कर रही है, आगे भी इसको ले जाना चाहेंगे? और बिल्कुल, मैं बिल्कुल चाहूंगी, मेरी बेटी जितना जाना चाहेगी मैं उसके साथ खड़ी हूँ, मेरी बेटी जो चाहेगी मैं उसके साथ खड़ी हूँ, मेरी बेटी बहुत बहादुर है और मुझे प्राउड है, प्राउड ऑफ माई बेटी।